हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल मॉम स्पेशल में फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर होटल स्टाइल। तो उसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम पनीर, 250 ग्राम फ्रेश क्रीम, 4 से 5 टमाटर रफली चॉप किए हुए, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी चीनी, 1 चम्मच नमक, 10 से 12 काजू, 4 से 5 दालचीनी, 3 से 4 लौंग और 3 हरी इलायची। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक पैन रख लिया है गैस पे। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, दालचीनी, लौंग। अब हम डालेंगे इलायची, 10 से 12 काजू, जीरा और 1 ग्लास पानी। अब हम इसे एक बॉयल आने तक ढककर पका लेंगे। अब हम देखते हैं, हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसमें चीनी डालकर 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। अब हम चेक करते हैं कि हमारा मसाला भुन चुका है। जी हाँ, हमारा मसाला भुनकर तैयार है। अब हम इसे एक जार में ट्रांसफ़र करेंगे। हमने एक जार ले लिया है। अब हम सारा मसाला इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं और एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट पीसकर तैयार है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चमचे रिफाइंड ऑयल और एक स्ट्रेनर की मदद से इस पेस्ट को इसमें छान लेंगे। पेस्ट को छान लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। हम डालेंगे नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी। और तब तक चलाएंगे जब तक मसाला घी नहीं छोड़ देता। मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। ऐसे भुनेंगे, एक उबाल आने तक पका लेंगे। ग्रेवी बनकर तैयार है। अब ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारी ग्रेवी का। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। और एक बॉयल आने तक पका लेंगे ताकि सारे मसाले पनीर में मिक्स हो जाए। अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या ना डालें। शाही पनीर बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारी डिश शाही पनीर बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।